दोस्तों आज आप द नॉलेज में दुनिया के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिसे जानकर आप कहेंगे क्या नॉलेज लेकर आए हो हितेश भाई। तो आप है द नॉलेज के साथ, मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर एक से। दोस्तों कोरोना महामारी आने के बाद मास्क लगाना सरकार के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था और सभी तरह के मास्क में N95 मास्क को सुरक्षा के लिहाज से सबसे उचित ठहराया गया था। खैर ये सब तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको इस N95 का पूरा मतलब पता है? नहीं ना। दरअसल N95 में N का मतलब होता है नॉन ऑयल, यानी कि ये मास्क केवल तेल रहित वातावरण में ही प्रभावित होता है और नंबर 95 इस मास्क की दक्षता को दर्शाता है, यानी ये मास्क 95% तक हवा के कणों को छान सकता है। इस मास्क के मटेरियल को खोजने वाले वैज्ञानिक थे पीटर तसाई, जिन्होंने 90 के दशक में इस मास्क के मटेरियल को बनाया था और उनको पता भी नहीं था कि सालों बाद ये मास्क करोड़ों लोगों का जीवन बचाएगा। नंबर 2, दोस्तों आपने ट्विटर का ये लोगो तो देखा ही है, इसमें एक चिड़िया दिखाई देती है। दोस्तों दरअसल इस चिड़िया का बकायदा नाम है और उसका नाम लैरी है। ट्विटर के को-फाउंडर बीज टॉन ने बताया था कि दरअसल ये नाम NBA के एक प्लेयर लैरी टी बर्ड के नाम पर से रखा गया है। NBA यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन और बीज टॉन के गांव बोस्टन के लिए ये प्लेयर खेले थे। नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है कि केले की आमतौर पर कई सारी जातियां होती है, लेकिन इन सभी प्रजातियों में एक प्रजाति ब्लू जावा नाम की भी है। इस किस्म के केले का स्वाद हूबहू किसी वेनिला आइसक्रीम की तरह होता है और ब्लू जावा नाम की इस प्रजाति के केलों की खेती मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में होती है और साथ ही हवाई के द्वीपों पर भी ये केले कई जगह पर उगाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों दुनिया में गणित का जो सबसे लंबा सवाल है वो पूरे के पूरे 1500 पेज का है। जी हाँ दोस्तों, 1500 पेज का एक सवाल, और इसे सिद्ध करने के लिए 100 गणितज्ञों को 30 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा था। नंबर 5, अब दोस्तों इसे देखिए, ये है दुनिया की सबसे लंबी कार। ये आज तक की दुनिया की सबसे लंबी कार है और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड एक अमेरिकी कार डिजाइनर ले ऑहबर्ग के नाम है। साल 1986 में बनाई गई ये कार 100 फीट लंबी है और दोस्तों इस कार में 26 पहिए और एक स्विमिंग पूल है और यहां तक कि इस कार पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग पेड़ भी है। नंबर 6, दोस्तों हम में से कई लोग जब कार खरीदते हैं तो अपनी पसंदगी का नंबर लेने की सोचते हैं और इस नंबर लेने के लिए हमें कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं जिसे पेड नंबर कहा जाता है। कुछ लोग 555 लेते हैं, कुछ लोग 007 लेते हैं, कुछ लोग 001 लेते हैं, तो कुछ लोग 1111 लेते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा नंबर कौन सा है? दोस्तों कारों की दुनिया में सबसे महंगा नंबर F1 है और इस नंबर की कीमत, जी हाँ सिर्फ नंबर की कीमत करीब 132 करोड़ रुपए है और इस F1 नंबर को ज्यादातर मर्सिडीज, मैकलर SLR, बुगाटी और कस्टम रेंज रोवर जैसी कारों पर ही लगाया जाता है। नंबर 7, दोस्तों कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर अदालत में मुकदमा दर्ज कर देते हैं और कुछ लोग तो अपने आसपास के लोगों से इतने परेशान होते हैं कि 3-4 मुकदमे कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा मुकदमे किस शख्स ने और कितने मुकदमे किए होंगे? तो दोस्तों उस व्यक्ति का नाम था जॉनथन ले रेज और इस व्यक्ति ने करीब 2600 मुकदमे दर्ज कराए हैं जिसके कारण इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। कमाल की बात है ना। पर फ्रेंड्स बात यहाँ पर नहीं रुकती है, इन्होंने तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पर भी मुकदमा दर्ज किया था। जी हाँ दोस्तों, अपनी जिंदगी के बारे में बिना पूछे दुनिया को बताने के लिए और उनके बारे में छापने के लिए गिनीज बुक पर भी इन्होंने मुकदमा दर्ज किया था। नंबर 8, दोस्तों आपने टेक्स्ट मैसेजेस तो किए ही होंगे। आज से 10-15 साल पहले हर व्यक्ति किसी को मैसेज करने के लिए टेक्स्ट मैसेज का ही उपयोग करता था। पर दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पहला टेक्स्ट मैसेज कब और क्या किया गया था? तो दोस्तों दुनिया का सबसे पहला टेक्स्ट मैसेज 3 दिसंबर 1992 के दिन किया गया था, जिसे नील पेपफोर्ड नाम के व्यक्ति ने मैरी क्रिसमस लिख के भेजा था। द नेक्स्ट इज नंबर 9, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी गुफा कितनी बड़ी होगी? दोस्तों ये गुफा वियतनाम में स्थित है और ये गुफा इतनी बड़ी है कि इसका अपना खुद का जलवायु, नदियां, जंगल और बादल है और इस गुफा का नाम हैंग सोंग डुंग है। नंबर 10,
दोस्तों कोको डे मेयर नाम का एक पेड़ दुनिया में पाया जाता है, जिसके फल दुनिया के सभी फलों में सबसे बड़े और वजनदार होते हैं। इस पेड़ के एक एक फल का वजन 42 किलो होता है और उसके अंदर के बीज का वजन 17 किलो होता है। नंबर 11, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पेरेग्रेन फाल्कन दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, और ये पक्षी जब अपने शिकार की तलाश में नीचे की ओर गोता लगाता है तब इसकी स्पीड करीब 390 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है। नंबर 12, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक प्लास्टिक की बोतल को नष्ट होने में 450 साल लगते हैं, वही एक कांच की बोतल को नष्ट होने में करीब 10 लाख से ज्यादा साल लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान रहे कि डिस्ट्रॉयड कांच हमारी हेल्थ के लिए नुकसानकारक नहीं होता है, लेकिन प्लास्टिक हमारी हेल्थ के लिए नुकसानकारक है। नंबर 13, समुद्र। ये तो दोस्तों आमतौर पर खुली जगह में होते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जापान में एक जगह पर इंडोर समुद्र का निर्माण किया गया है और इसका नाम सिएगाइया ओसन डोम है, और इसकी ऊंचाई 300 मीटर जबकि चौड़ाई 100 मीटर तक है। इस समुद्र की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको असली समुद्र जैसा ही आभास होता है। नंबर 14, दोस्तों आप शायद ही यकीन कर पाओगे लेकिन ये बात सच है कि एक स्पेस शूट को बनाने के लिए करीब 85 करोड़ रुपए का खर्च आता है। नंबर 15, फ्रेंड्स आपने मैगी तो जरूर खाई होगी, पर यह मैगी कितनी पॉपुलर है पता है? पूरी दुनिया में हर दिन करीब 120 करोड़ मैगी के पैकेट खोले जाते हैं, और इस पर्टिकुलर फैक्ट नंबर 15 को जितने टाइम में आपने सुना उतनी देर में तो दुनिया में 2000 से ज्यादा मैगी के पैकेट खुल चुके होंगे। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों क्या आपको पता है कि उत्तर कोरिया दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सजा के तौर पर तीनों पीढ़ियों को दंडित किया जाता है, यानी कि दादा की सजा उसके पोते तक दी जाती है ना, बहुत ही विचित्र दोस्तों। और क्यों ना हो, ये किम जोंग उन का देश है, और दोस्तों फिलहाल के टाइम में तो वहां पर हंसने पर भी बैन लगाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अभी तो अगर कोई गलती से वहां पर मुस्कुरा लिया तो भी उसको सजा हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल वहां पर किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल की श्रद्धांजलि के दिन चल रहे हैं, और हर साल यहाँ पर इस दरमियान 10 दिनों का शोक होता है, पर इस बार उसके पिताजी के निधन को 10 साल हो गए हैं इसलिए 11 दिन का शोक मनाया जा रहा है, और इन 11 दिनों में पूरे देश में किसी को भी हंसने पर पाबंदी है। इतना ही नहीं, इस पूरे 11 दिन में वहां पर सभी फेस्टिवल सभी चीजें बंद रहेगी, और इस बीच अगर आपका बर्थडे आ भी जाता है तो आप उसे नहीं मना सकते, मतलब पूरा नेशनल लेवल पर शोक, क्या बात है। अब दोस्तों इस तानाशाह किम जोंग उन और उसके देश के बारे में अगर आप ज्यादा डिटेल में द नॉलेज की स्टाइल में जानना चाहते हैं तो इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उस पर जाकर उस वीडियो को अवश्य देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।